सबसे छोटी कंजक। छोना इधर देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना वेट कम हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, कैसे हैं आप सब। और मैं नहा धो के तैयार हूँ नीचे जाने के लिए। आज है अष्टमी और आज हमारे यहाँ पे कन्या पूजन है, तो मैं अभी फटाफट से जा रही हूँ नीचे। नीतू भी आ गई, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अष्टमी के दिन दिखाऊंगी कि कितना मेरा वेट लॉस हुआ है, तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे क्योंकि वेट मशीन भी नीचे ही है। तो चलिए चलते हैं। एंड एक बार फिर मेरे से पहले बाजी मार ली है इसने। कोई नहीं, अच्छी बात है, काम निपटा लिया होगा था। चलो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। A few moments later. और प्रसाद का खाना हमारा बन गया है, ये देखो हलवा। प्रसाद के नाम का कितना टेस्टी लगता है ना देखने में ही। ये चने, ये बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, और ये माता रानी के भोग की थाली तैयार है। खाना सब बन गया है, उसके बाद पूजा करेंगे और फिर कन्याओं को बुला के कन्या पूजन करेंगे। और पूजा हमारी हो गई है, भोग लगा दिया हमने माता रानी को। और ये हमारा लांगुरिया, ये दोनों हमारे लांगुरिया, देखो दिखाओ अपने ड्रेस। पहले तो तुम ये शूज उतारो, पहले सैंडल निकालो बेटा, जाओ। और मम्मी गई है कंजकों को बुलाने, और ये नीतू तैयारी कर रही है। और जो माता रानी ने देखो हमें कितने अच्छे दर्शन दिए हैं। हाँ क्या है, दो पॉकेट है इसमें। और ये हमारे बच्चों की सेम सेम ड्रेसेस हमने फर्स्ट क्राई से मंगवाई है इनके लिए। सोना तुमने छेम छेम पहनी है आज दोनों भाई ने ड्रेस। पॉकेट से दिखाता रहेगा बस अब अपनी। इशा एक भी दिशा। और ये हमारी कन्याएं आनी शुरू हो गई है, अभी दो ही आई हैं और नीतू आते ही इनसे मजे लेने लग गई है। माना कर, मैं से पूछी, मैंने कहा आप लास्ट टाइम भी आए थे ना हमारे घर, तो कह रही है इसको नहीं पहचाना अपनी, ये भी तो आई थी। सही कह रही है। हाँ मैं सबको पहचानती हूँ, मैं इनको भी, पर मुझे नाम नहीं पता था ना आपका। नहीं बताया था बाबू, आपने बताया हो तो मुझे याद है। आजकल के बच्चे भी कितने तेज है ना। तो फिर आपने ना अपना रियल नेम नहीं बताया होगा, आपने अपना नाम परी बताया होगा। बाबू मैं आपको फ्रूटे दूंगी, आप पियोगे? क्यों, क्या हुआ बाबू? झुंझुनी क्या होती है? अरे पैर में झंझनाहट होती है। फिर कौन पिएगा आपकी फ्रूटी? ये पी लेगी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं इसको भी तो दूंगी एक, ये तो एक नहीं दो। बैठो, सबसे छोटी कंजक। छोना इधर देखो, इधर पास पास बैठा दो छोटियों को दोनों को। सबसे छोटी है और इससे बड़ी ये है ना, और बाकी तो सारी बड़ी है। और ये हमारे कंजक देखना, इसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खेलना है ना, खेलना है बस। उसको बता रही है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लो बेटा।
पेट भर गया, छोड़ दे। हाँ जी, आपका हलवा रह गया, आइए। फ्रूटी फ्रूटी दे के मंगा, रुक। ये लो, आओ आओ जल्दी से आओ। अब खुश 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 अब खुश। उसका भी कैमरे में ध्यान है। दिविशा, आपके पैसे भी उसी को देने हैं ना? वो पीना है। क्यों? पैसे नहीं, पैसे की याद ही नहीं है। ढक्कन रख ले। अरे पिछली बार तो देके गए थे आप आशीर्वाद। ओ भाई, अरे वाह अरे वाह। बाय। सुना, बाय तो करके जाओ आप मुझे। बाय। तो हमारी कन्या पूजन तो हो गया है और अब हमारी गुट्टी तैयार हो रही है। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना वेट कम हुआ है। वेट करते हैं पहले, क्योंकि फिर एफ्रेश पीनी है। शो मी योर मेहनत। क्या बात है, पूरा 62। क्या बात है, पूरा 62। तू भी कर अपना, चल चल तू भी कर। एफ फ्रेश मेरी रेडी है और मैंने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और नीतू का भी 2.5 किलो कम हुआ है। ये भी थोड़ी सी पतली हो गई बेचारी। पतली तो कुछ नहीं हुई, 1-2 किलो में कोई पतला नहीं होता। जब वेट आपको बहुत ज्यादा होता है ना, हल्की हुई है 2 किलो। जब वेट बहुत ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी वज़न कम भी होता है और दिखता भी है उसका असर। लेकिन जब आइडल वेट के नज़दीक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता, तो वेट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, सबसे मुश्किल होता है। और मैं तो पीऊँगी अपनी एफ्रेश के बाद। खैर, ये 1 हफ्ते में अपना वापस उतना ही कर लूँगी जितना कम किया है। बढ़ाएगी अब दोबारा से, ये क्या करेगी, बढ़ा के बढ़ाना नहीं है, मेंटेन करना है इसको अब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं अपनी एफ्रेश पी लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में तो आज जो प्रसाद बना, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो कन्या पूजन तो हमारा अच्छे से हो गया और नीचे का सारा काम निपटा के हम आ गए हैं ऊपर। और बच्चों की क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं अभी दशहरे तक, उनकी छुट्टियाँ अभी 3 दिन हैं बाकी। तो नीतू जा रही है मम्मी के घर और इसने नूनू को भी तैयार कर लिया अपने साथ। तो नीतू, नूनू और हमारा छोटा बच्चा तीनों जा रहे हैं घर और अब मैं रह जाऊंगी अकेली। कैसे मेरा मन नहीं लगता इन लोगों के बिना ना। नूनू रहता है तो मेरा उसके साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है टाइम पास, लेकिन अब नूनू भी जा रहा है तो बिल्कुल घर एकदम खाली हो जाएगा बच्चों के बिना। पर चलो कोई नहीं, बच्चों की 2 दिन की छुट्टियां हैं तो इन्जॉय कर लेंगे। वैसे हमने आज सोच रखा था कि बच्चों को मेला दिखा के लाएंगे। हमारे यहाँ पे जनकपुरी में भी, द्वारका में भी कई जगह मेला लगा हुआ है दशहरे का और रामलीला होती है। तो हमने सोचा था रामलीला में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे उतना पीछे से कुछ देख भी नहीं पाएंगे भीड़ में, और
सिर्फ हमने सोचा था कि इनको मेले में ले जाएंगे, थोड़ा राइड्स वाइड्स कराएंगे, इनको झूले वूले झुला के और खिला पिला के वापस ले आएंगे। बट अभी तो चलो ये नानी हाउस जा रहे हैं तो जाने देती हूँ इनको, और बाकी रामलीला के लिए देखते हैं हम जाएंगे मैं और नोनू के पापा कल। और परसों तो दशहरा है तो हमारे आसपास ही बहुत सारे रावण के पुतले लगे रहते हैं, हम हर साल निकलते हैं और जितने रावण के पुतले लगे रहते हैं ना सब एक साथ नहीं जलते हैं, यहाँ पे वन बाय वन जलते हैं और हम निकलते हैं शाम को मैं और ये, और वन बाय वन हम सारे रावण देख देख के आते हैं कि जो अच्छा लगता है मतलब पहले हम घूम लेते हैं एक बार, फिर जो वाला रावण हमें पसंद आता है ना कि हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है फिर हम वहाँ पे देख के उसको तब आते हैं, मतलब जाते हैं हम हर साल है रावण देखने, चाहे हम कहीं दूर जाएं चाहे हम घर के पास में ही कोई देखें ऐसे, मतलब हमारे यहाँ पे तो जगह जगह पे बच्चे बना बना के लगा लेते हैं। तो ठीक है रावण तो रावण ही होता है, और नोनू तो जा रहा है, वैसे बच्चों को ले जाना ठीक भी नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और भीड़ में बड़े लोग तो फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जब साथ में बच्चे हो ना तो वो बच्चे तो परेशान होते ही होते हैं, साथ में बड़े भी परेशान होते हैं और बच्चे डर भी जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखे बजते हैं जब रावण जलता है तो कई बार बच्चे डर भी जाते हैं, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं लेके जाते, हम अकेले ही जाते हैं मजे करने। बड़ा हरामी हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नानी आउश। ठीक है दाओ तो फिर, नंसू भी हमारा तैयार है। नोनू कहाँ जा रहा है ये नहीं बताएगा, ये बदमाश है एक नंबर का। दोनों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। सोना कहाँ चले, मुझे लेके नहीं जा रहे तुम, गंदे बच्चे हो। और बच्चे और नीतू चले गए हैं नानी हाउस, और हमारा घर हो गया बिल्कुल खाली, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा घर के अंदर। और मैं अभी आई हूँ अपने रूम में, थोड़ा सा ऑफिस का काम है वो निपटाऊंगी, और बहुत दिनों के बाद आज खाई हैं पूरियाँ तो इसलिए थोड़ा सा आलस भी आ रहा है, तो थोड़ी सी देर सोऊंगी और उसके बाद वही अपना शाम का रूटीन वाला काम। तो इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।